चटनी बनाने के लिए, हरी चटनी बनाने के लिए हमने इसमें हरा धनिया, पुदीने का पेस्ट और दही को मिक्स कर रहे हैं। भैया आप बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं? पुदीना, हरा धनिया। पुदीना, हरा धनिया और दही, ये आप चटनी तैयार कर रहे हैं? हरी चटनी। हरी चटनी किस चीज़ से? वो पकौड़ों के साथ खाने के लिए? पकौड़ों के। अच्छा, ये जो चटनी है हम इन पकौड़ों के साथ यूज करेंगे, आप देख सकते हो। ये गरम मसाला डालेंगे हम MDH का इस चटनी के अंदर, साथ में डालेंगे चना मसाला MDH, और किचन किंग MDH, काला नमक, जीरा पिसा हुआ, धनिया, साबुत धनिया को हमने क्रश करके डाल लेते हैं इसके अंदर, काली मिर्च, इसके बिना तो हमारा चटनी भी अधूरी रहती है, इलायची दाना, और ये चटनी बनकर तैयार। हरी मिर्च साथ में डाल देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च का पेस्ट, और ये चटनी बनकर तैयार। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं। ये देखिए, जैसे हमने एक बार पकोड़े बना लेते हैं तो उसकी एक बार क्या करेंगे, उसको बीच में से काट लेंगे। कई बार क्या होता है, पकोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है, तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने पालक के पकोड़े बनाए हुए हैं, पालक और प्याज के पकोड़े। हमने गोभी के पकोड़े बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। गोभी के पकोड़े भी हम बीच में से काट लेंगे, जिससे ये इसका जो कच्चापन है वो ना रहे और क्रिस्पी हो जाए। और साथ में ये पनीर के पकोड़े भी तैयार किए हुए हैं, ऐसे ही इसको करना है आपको, दो पीस में इसको काट लेना है। अब हम जो हमने पकोड़ों को बीच में से काट कर रखा था उनको फ्राई करेंगे, जिससे वो क्रिस्पी हो जाएं। तो हम कढ़ाई के अंदर तेल ले लेते हैं और इसको बॉयल होने देंगे अच्छे से। ये जब गर्म हो जाएगा तब इसमें पकोड़े डालेंगे, हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे। और इसके ऊपर यूज करें चाट मसाला।